भोपाल के हैदराबाद जा रही बस पांडुना के मोहिघाट गुरुवार को रात लगभग 10:30 बजे के आसपास यंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 50 से अधिक यात्री बुरी तरह से घायल हुए हैं। रात में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आज सुबह नागपुर रेफर में इलाज के दौरान 2 लोगों की और मौत होना बताया जा रहा है। बस में सवार यात्रियों के अनुसार बस की स्पीड 100 के ऊपर की थी। तेज गति होने के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। वहीं 16 लोगों को नागपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज पांडुना के सिविल अस्पताल में जारी है। बस हादसे पर CM मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है व मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं।